नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना संक्रमण काल में 23 मार्च को रेल के पहिए देश भर में थम से गए थे। उसके पश्चात से जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर साधारण और सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन बंद है। अभी तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया था। ऐसे में यहां आवागमन करने वाले लोगों को काफी असुविधा और परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लंबे समय पश्चात स्वर्ण नगरी वासियों के लिए रेलवे की तरफ से सुखद खुशखबरी है कि 16 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस से नए नंबर से परिवर्तित होकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रवाना होकर 17 अक्टूबर को रामदेवरा जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में जैसलमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी नंबर से ये ट्रेन प्रस्थान करेगी। इस रेल मार्ग पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के शुरू होने की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक स्थानों से आने वाले मुसाफिरों के लिए काफी राहत की खबर है कि उन्हें अब सीधी ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वे रामदेवरा जैसलमेर तक अपना सफर सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। रेलवे ने इस संबंध में 7 ट्रिप का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत बांद्रा टर्मिनस से 16, 23, 30 अक्टूबर और नवंबर माह में 6, 13, 20 और 27 नवंबर को सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर रामदेवरा होते हुए जैसलमेर तक आएगी। उस दिन ट्रेन जैसलमेर से वापसी को मुंबई टर्मिनस के लिए रवाना होगी। वापसी के दौरान ट्रेन नंबर 02932 से चलेगी। गुजरात श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। महाराष्ट्र, गुजरात से रामदेवरा जैसलमेर के लिए एकमात्र सीधी गाड़ी होने से गुजराती लोगों को यहां आने के लिए काफी सुविधा मिलेगी।